हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आज हम सब जा रहे हैं बाबा के। तो ये बोलो कि बाबा को तो सभी जाते हैं, नॉर्मल है, पर नॉर्मल नहीं है। हमारे बाबा का बर्थडे तो 23 तारीख का, कल का बर्थडे। तो हम आज नाइट को निकल रहे हैं, यहाँ से हम सभी जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। है उनका बर्थडे तो इसलिए, और काफ़ी पटाखे भी लेके आए, तो देखना भी वहाँ जाएंगे, बहुत इन्जॉय करके आएंगे, बाबा से भी मिल के आएंगे और दर्शन करके आएंगे बाबा के, क्योंकि हम बाबा को बहुत मानते हैं। तो उनके बर्थडे पर हम शामिल ना हो तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना फिर लाइफ का, इसलिए हम जाएंगे हम सभी। और मेरे रूम के अंदर जब हम उड़ते हैं ना, उससे पहले हम बाबा का चेहरा देखते हैं। तो ये है वो, मैंने लगा रखी उनकी तस्वीर यहीं पर ही। तो चलते हैं हम अभी, हम मतलब शाम हो चुकी है और हाफ हाफ रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम ऐसे ही मतलब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम निकलेंगे यहाँ से 8 बजे के समथिंग बज चुके हैं पीछे। तो मम्मी आएगी, उसके बाद में जाएंगे क्योंकि गुन्ना को मम्मी के पास छोड़। अब हम घर से निकल चुके हैं बाबा के पास जाने के लिए। तो सभी बेटे फिलहाल देखे, सभी बेटे हमारे भाई साहब रही है और हमारे शेर सिंह जी और मैं और गुन्ना है हमारी नानी के घर, क्योंकि बाबा ठंडे है ना इस वजह से। और मेरा सॉन्ग आ चुका है बिट्टू मीणा वाला सॉन्ग, क्योंकि 500 केक कम्प्लीट हो चुके हैं। तो सुनते हैं, पहले से हम आपको सुनाते हैं साथ में। गई अभी हम सब रास्ते में पहुंच चुके हैं, मतलब जनकार होटल है यहाँ पे। इसमें हम जो कभी भी आते हैं यहाँ पे तो चाय पीते हैं यहाँ आके, और हमारे उनको देखो भाई सब सब पड़े और केक रखा है बाबा का। तो बाबा का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं हम सभी, शायद 2-3 साल, दो साल पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले की बात ही है, जब हम मैं और शेर सिंह, मतलब मैं पहले आ चुकी थी बचपन में, याद नहीं रहना मेरे को, मैं और शेर सिंह और गुन्ना बहुत छोटी थी उस टाइम। तो ये इसी ठंड में याद है तुम तो नहीं आए थे शायद, इसी ठंड के अंदर मैं और शेर सिंह दोनों साथ साथ में आए थे फर्स्ट बार। तो उस ठंड के अंदर ना तो हमारे पास में जेब में 1 रुपया था, मतलब ये मानो कि बिल्कुल ना तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था, बस ओनली पेट्रोल थी। पेट्रोल लेके हम आए थे ओनली 4। तो मैंने बाबा से बोला था कि मैं अगली बार आऊँ ना तो कुछ ऐसा करना कि मतलब कार से नहीं, कुछ ऐसा करना कि मैं डबल पैसे लेके आऊँ ना। मैं कुछ यूट्यूब पे कुछ थी ना, तो मैं उस टाइम पे ना तो यूट्यूब से कुछ था मेरा, ना फेसबुक पे कुछ था, ना मतलब बिट्टू नाम से तो कुछ था ही नहीं। तो मैं आए, मैं और शेर सिंह आए, फिर हमने भाई दर्शन करा, दर्शन मतलब जो बाबा का जो प्रसाद चढ़ता था ना उसके लिए पैसे नहीं थे हमारे पास में उस टाइम की बात बता रही मैं आप सभी को। तो फिर हमने भाई दर्शन किया, मैंने बोला बाबा को कि अगली बार आऊ ना मैं तो कुछ ऐसा करना कि मैं प्रसाद चढ़ा सकूं। रियलिटी में हम अगली बार गए तो इतना सब कुछ था हमारे पास में, तो मैंने बाबा को प्रसाद चढ़ाया। और आज उनकी वजह से मैं आज मतलब जब भी मैं जाती हूँ तो कार से जाती हूँ। कोई टाइम ऐसा था कि मैं और शेर से मोटरसाइकिल से आए यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, हम दोनों ने बहुत वो किया है ना। और ये हमारे कोई वो नहीं, दुनिया की तरह नहीं है कि जैसे फेक बोल रहे हो, बिल्कुल रियल बात है, रियलिटी बता रही हूँ, हकीकत में हम मोटरसाइकिल से आए थे हम यहाँ पे, कुछ भी मतलब नहीं था लाइफ से हमें। फिर भी आज बाबा की देखो, बाबा की वजह से आज मैं बिट्टू मीणा हूँ, आज मेरा नाम है और हमारे शेर से काम बढ़िया चलता है, तो सब कुछ बढ़िया बाबा के नाम से हमारे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज हमारे बाबा का बर्थडे तो हम नहीं जाए, जाएंगे, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं, शेर सिंह है, हमारी फैमिली है, मेरी गुन्ना है, जो भी आज कुछ भी हूँ मैं, तो सब उनकी वजह से हूँ। उनका बर्थडे और हम नहीं जाए ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हम सोच रहे थे कि गाड़ी भी नहीं होंगी ना सारी, तो मुझसे चलेंगे मोटरसाइकिल से, रेडी थे जो इस ट्रेन के अंदर हम फेसबुक के ऊपर। तो भाई बाबा का बर्थडे आज हमारे बाबा का, तो हैप्पी बर्थडे बाबा। चल जा रहे हैं आज हम सभी बाबा से मिलने के लिए, और ये बाकी लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं बाबा से। बिल्कुल शेर जी, मैंने जो भी बात की बिल्कुल रियलिटी थी अपनी, कुछ भी नहीं था अपने पास, ना तो पैसे थे ना कुछ, यार कपड़े तक नहीं होते थे डंगे पहनने के, और आज खुद की इच्छा से कुछ भी करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भी बात की बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ, कभी टाइम मिला नहीं मेरे को बताने का, तो इसलिए बता रही हूँ आज बाबा के बारे में। तो थैंक यू सो मच बाबा हमारी लाइफ में आने के लिए, आज इस काबिल बनाने के लिए हमें। रात के बज चुके हैं 12, तो हो गया जी बाबा का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बाबा। हम पहुंच चुके हैं रास्ते में रिंगस रिंग रोड पे, पहुंच चुके हैं रिंगस पे, रिंगस मोड़ पे पहुंच चुके हैं, ये आ गया बेरू जी रिंगस मोड़ का यहाँ पे, और काफी भीड़ है और रास्ते में बच चुके हैं हम, अभी बाबा के पास पहुँच नहीं पाया, तो इसलिए यहीं से विश कर रहे हैं बाबा को, जाएंगे दर्शन करेंगे बाबा के और आपको दिखाते आगे बाबा के। देखो जाने के लिए कितनी भीड़ हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए यहाँ पे, देखो देखो भीड़ काफी हो रही है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है।
अब हम पहुंच चुके हैं रिंगस, तो यहाँ सब निशान लेंगे पापा के लिए। और भीड़ देखो काफी हो रही है, बाबा को कितने लोग मानते, देखो पापा की फैन फॉलोइंग देखो कितनी ज्यादा है। देखो ये तुषार को कौन है इस बार मने ये अपने तुषार का सब अपनी अपनी मस्त में मस्त है सब यहाँ पे। पापा ले चुके हैं निशान अभी और काफी मजा आ रहा है देखने में मेरे को तो यहाँ पे पापा को अभी कुछ टाइम पहले हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं साथ उस वीडियो को उन्हें क्लिप को नहीं ले पाई, मैं भी को याद आ रही होगी थर्ड मतलब मतलब ये था कि गाड़ी अड़ रही थी, तुमने बोला कि भैया गाड़ी अड़ रही है, तो फिर उसने गाड़ी पकड़ी हमें, तो भाई हमने पकड़ी गाड़ी साथ में, फिर उनके पीछे से गाड़ी देने लगे, तो सारे सारे उतरे दो दिन रहते मार मुर के आगे बाबा का मंदिर यहाँ से मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है, तो मतलब गाड़ी हम ये पार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इस वजह से हम यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल बस गाड़ी लगा के जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल, गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ से, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, ठंड लगने लगी थोड़ी सी देर में। देखो पटाखे कितने सारे, अब हम आधे रास्ते में बाबा के 1 किलोमीटर आसपास से हम पैदल आ रहे थे, वहां से ठंड भी काफी बहुत ठंड है, और हम अभी रुके हैं चाय पानी पीने के लिए। और हाँ मुझे अच्छे अच्छे मेरे फॉलोअर्स मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे, मतलब अब है कि जैसे लोग पहचानने लग गए मेरे को, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप मुझे भी, मेरे को का आज 500 के हुए तो 1 मिलियन भी होंगे अपने, और मैं बहुत आगे भी बढ़ूंगी, तो सपोर्ट बनाए रखे बस अपना। तो बन चुकी है हमारी चाय सभी की, पी लो चाय भाई चाय। ओके कल हम सब डंडे जा चुके हैं क्योंकि अब लगी थी वहां पे नहीं दे रहे थे हमें, तो हम सब डंडे कूद कूद के आए हैं बाबा से मिलने के लिए, और फटाके लेंगे यहाँ पे, तो फटाके भी डंडा कूद रहा है, डंडा कूद कूद भाई डंडा कूद कर रहे आगे मजा आ गया पर आज तो। देखो फटाके ले लगे घूम लिए सब बांट चुके अपने अपने फटाके यहाँ पे भाई, मेरे पटाखे तो आ गए। अच्छा आ गए भाई, आज तो डंडे कूदे हमने, आज हकीकत बता रहे। अरे यार ये फोड़ लें तो मेरे को, अरे यार अंडे थोड़ा बाद फोड़ लेना, आगे चलो आगे चलो। ये बनाके भाई अपने हमारे पाँच हजार खर्च करे तो मैंने निकालेंगे ना। हाँ भाई 5000 यहाँ पर लगा रहा है जब पटाखा का भाई, गोल हो रहे अभी तक यहाँ पे पटाखे मैंने तो वैसे छुपके पटाखे फोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले ना जो नहीं फोड़ रहा उसको भी लगा रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, इसलिए इतना हौसला कर फोड़ चुके हैं, बाकी पटाखे बच चुके हैं। हम लोगों ने 5000 के पटाखे लेके आए थे वहाँ से घर से, तो वो पूरे फूटे भी नहीं अभी तक, फोड़ेंगे पूरा कम्प्लीट अब करेंगे हम बाबा। लाइटर देना एक बार, अभी हम काट रहे हैं मतलब बाबा का केक। हेलो गाइस,
भाई साहब, हम हमारे लाइन में लग चुके हैं, अब फाइनल ये हमारा भाई ला बहुत चल हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से लाइन में लगे हम। आगे के आगे की लाइन है, हमारी जो लाइन है आगे आज हमारे दर्शन जो फर्स्ट लाइन है बाबा की, उस वाली में उस लाइन मतलब इस लाइन में नंबर आ गया हमारा आज, तो हम बाबा को करीब से देखेंगे आज पहली बार, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे आज बहुत ज़्यादा। मानवेंद्र जी है ना, जय श्याम रे, जय श्याम रे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम दर्शन करके फ्री हो चुके हैं और अब निकल रहे घर के लिए, ट्रैफिक इतना भयंकर लग रहा है, गर्दी नहीं है। छह बज के 11 मिनट हो गए, अभी 6 बज चुके हैं और पूरी नाइट हम भी नहीं सोए। अरे हालत खराब है, ठंड के बहुत ज्यादा पड़ रही, बहुत ज्यादा ठंड है। और सब कहाँ गए? ठंड में ठंड, सबकी हालत खराब है, मुंह से भी नहीं निकला जा रहा, ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए। आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आप सभी को बोलो, क्या बोल रहे हो आप? खाटू श्याम जी का ट्रैफिक होने की वजह से देखो कौन से रास्ते से चल रहे हैं अपन, कभी देखा नहीं होगा हमने तो भैया। देखो यहाँ पे चारों तरफ तो खेत है और एक गाड़ी जाएगी ना एक रास्ते से, तो मान लो कि सारी गाड़ी जाएगी तो नया रास्ता मिला है। मैं यहाँ पे देखो और कितनी भीड़ है, इसमें भी देखो वहां तक गाड़ियां हैं और पीछे तक गाड़ियां हैं, वेटिंग में चल रही सब गाड़ियां पीछे पीछे पीछे। पर आज तो भाई साहब